हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे 2023 में पास आउट होने वाले हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, और 2023 से पहले पास आउट हो चुके हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। तो लगभग यहाँ पे 1480 के करीब ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। कोल माइंस का यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है और परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा। सैलरी भी बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात की जाए, तो अगर आपने यहाँ पे आईटीआई कर रखा है किसी भी ट्रेड के अंदर, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है, बीबीटेक कर रखा है, या फिर अगर आपने यहाँ पे एमईएमटेक कर रखा है किसी भी ब्रांच के अंदर, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इंडिया में अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 1 रुपये भी यहाँ पे आपको पे नहीं करना, फ्री का ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो अप्लाई जरूर कर देना। जो जो स्टेप्स मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने मोबाइल के थ्रू बड़े आराम से अप्लाई कर पाएंगे। तो वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इसका जॉब लोकेशन क्या रहेगा, सीटीसी क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ, इसी बात पे यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कंजूसी मत करना। लाइक का टारगेट रहेगा यहाँ पे 700 प्लस आपको लाइक करवा देने हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेयर कर देना है बिना कंजूसी के। और जब भी आप वीडियो को लाइक करते हो हमको मोटिवेशन मिलता है ऐसे बेहतरीन वीडियो बनाने का। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी ब्रांच को कमेंट करके बता देना कि कौन सी ब्रांच में डिप्लोमा बीबीटेक किया है, कौन से ट्रेड के अंदर आईटीआई किया, और आपका पासिंग ईयर कौन सा है। इससे क्या होगा कि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो आपकी ब्रांच और आपके ट्रेड से रिलेवेंट आपको देखने को मिलेगी और वहां पे आप लोगों को फायदा होगा। इवन मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको प्रीमियम टाइप के जॉब का अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे यूट्यूब पे मैं अपडेट नहीं दे पाता। वो सारी की सारी जॉब यहाँ पे मैं टेलीग्राम पे अपडेट दे देता हूँ, तो जाके इसको ज्वाइन कर लेना। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपको भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। देखिए, अप्लाई करने से पहले एक बार वीडियो को अच्छे से देख लेना, उससे आपको पता चलेगा कि आप कौन सी पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं, उसका सीटीसी क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। उस पूरे प्रोसेस को मैं इसी वीडियो के अंदर बता देता हूँ। यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। रिसेंटली एक प्राइवेट कंपनी के साथ कोल माइन सेक्टर के अंदर प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो आपको प्राइवेट कंपनी देखने को मिलेगी, SSNR प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है, जो कि कोल माइन सेक्टर के अंदर एक कार्य करता है। आप इनके ऑफिशियली वेबसाइट पर चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे PSUs के साथ इन्होंने वर्क किया है जो भी कोल माइन सेक्टर के अंदर कार्य करते हैं। एंड यहाँ पे चलते हैं इनके डायरेक्टली कैरियर वाले पेज पे, जिसका लिंक मैं आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आपको किस पोजिशन के लिए अप्लाई करना है, कौन सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, उसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। पहला जो डिपार्टमेंट रहेगा आपका एजुकेशन का, जिसके अंदर आपको साइट इंजीनियर टनल के अंदर वैकेंसी देखने को मिलेगी। सिविल डिपार्टमेंट यहाँ पे रखा गया है, तो अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया है, बीबीटेक किया है, तो आप यहाँ पे साइट इंजीनियर टनल की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिविल डिपार्टमेंट में आपका डिप्लोमा और बीबीटेक होना जरूरी है, और अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप एलिजिबल है इस पोजीशन के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे साइट इंजीनियर टनल मैकेनिकल डिपार्टमेंट में वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने डिप्लोमा या फिर बीबीटेक कर रखा है मैकेनिकल के अंदर तो आप इसके लिए एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगा, यहां पे दो वैकेंसी निकाली गई है, सिविल फॉरमैन का और सिविल सुपरवाइजर का। तो यहां पे अगर आपने आईटी कर रखा है या फिर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है सिविल के अंदर, आप इसके लिए एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा वो आपका रहेगा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। यहां पे वैकेंसी निकाला गया है, इसके अंदर दो टाइप की वैकेंसी देखने को मिलेगी। पहली वैकेंसी रहेगी यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर के लिए। तो मैनेजर के लिए आपके पास एक्सपीरियंस का होना जरूरी है, आपने MEMTech कर रखा है और 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर है तो यहाँ पे आप क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर की पोजीशन के लिए एलिजिबल है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर अगर आपने BBTech कर रखा है, आप बिल्कुल एलिजिबल है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 2023 में पास आउट होने वाले हैं तो भी आप एलिजिबल रहने वाले हैं।
नेक्स्ट जो आपको डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे क्वांटिटी सर्वे का और बिलिंग का डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। दो टाइप की पोजीशन निकाली गई है। पहला रहेगा आपका बिलिंग मैनेजर का, जिसके अंदर एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है, 2 या 3 साल का, और आपने MEMTECH कर रखा है, एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा बिलिंग इंजीनियर का, तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर अगर आपने BBTECH कर रखा है आप बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। किसी भी ब्रांच में आपके पास डिप्लोमा या BBTECH है तो आप बिलिंग इंजीनियर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगा, सर्वेइंग के अंदर वैकेंसी निकाला गया है, तो दो टाइप की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी सर्वेइंग के अंदर। तो पहला रहेगा आपका जूनियर सर्वेयर का, दूसरा रहेगा आपका सीनियर सर्वेयर का। तो आपके पास यहाँ पे सिविल के अंदर डिप्लोमा होना जरूरी है, BBTECH होना जरूरी है, तो आप जूनियर सर्वेयर और सीनियर सर्वेयर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट आपका रहेगा सर्वेइंग का, सिविल ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी, प्रेशर है तो बिल्कुल एलिजिबल, इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा स्टोर डिपार्टमेंट में, यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। पहला रहेगा आपका असिस्टेंट मैनेजर का, दूसरा रहेगा स्टोर मैनेजर का, स्टोर ऑफिसर का और स्टोर असिस्टेंट का। तो यहाँ पे जो आपके लिए फ्रेशर के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी वो नीचे वाली दो वैकेंसी देखने को मिलेगी, स्टोर ऑफिसर का और स्टोर असिस्टेंट का। तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, BBTECH कर रखा है, तो आप दोनों पोजीशन के लिए एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं, स्टोर असिस्टेंट की पोजीशन के लिए और स्टोर ऑफिसर की पोजीशन के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा सेफ्टी डिपार्टमेंट में, यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। तो यहाँ पे मैनेजर की जो पोजीशन है उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है, लेकिन अगर आप सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी सुपरवाइजर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास अगर डिप्लोमा है या फिर BBTECH है किसी भी ब्रांच के अंदर, तो आप सेफ्टी इंजीनियर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिकल के अंदर, यहाँ पे आपके पास वैकेंसी देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर आपने ITI कर रखा है आप एलिजिबल है, तो अगर आपने BBTECH कर रखा है तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर की पोजीशन के लिए आपके पास एक्सपीरियंस का होना जरूरी है। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा मैकेनिकल के अंदर, तो अगर आप यहाँ पे इंजीनियर के पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियर की पोजीशन के लिए, तो आपके पास डिप्लोमा और BBTECH का होना जरूरी है मैकेनिकल ब्रांच के अंदर। साथ ही साथ आपको नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगा माइनिंग इंजीनियर के लिए, तो आपने यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, BBTECH कर रखा है माइनिंग के अंदर, आप इसके लिए एलिजिबल, इसको अप्लाई कर सकते हैं। जियोलॉजिस्ट का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, अगर आपने डिग्री कर रखा है जियोलॉजी के अंदर, आप इसके लिए एलिजिबल, इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगा ब्लास्टिंग के अंदर, यहाँ पे आपका ब्लास्टर का वैकेंसी निकाला गया, तो अगर आपने ITI कर रखा है तो आप एलिजिबल रहेंगे, डिप्लोमा कर रखा है आप एलिजिबल रहेंगे, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है देखिए, यहाँ पे इन्होंने अपना मेल ID प्रोवाइड करवा रखा है, ये जो मेल ID दे रखा है इस मेल ID को आपको अच्छे से कॉपी कर लेना है, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस पे आपको क्या करना है, इस मेल ID पे आपको अपने रिज्यूम को या फिर आपके पास CV होगा उसको डायरेक्टली यहाँ पे मेल करना है कवर लेटर के साथ। अब कवर लेटर आपको कहाँ मिलेगा, कवर लेटर मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आपको कवर लेटर लिंक करके दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ आपके सामने ऐसा टैब ओपन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, टॉप पे आपको दिख रहा है पिन मैसेज का, तो आपको सबसे पहले इस पर करना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक्सपीरियंस वालों के लिए कवर लेटर आएगा। फ्रेशर को भी बता रहा हूँ कैसे कवर लेटर आपको कॉपी करना है। सबसे पहले एक्सपीरियंस वालों के लिए, तो आपकी ब्रांच जो भी है उस ब्रांच को यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, और इवन आपका जो भी BBTECH किया या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया उसको मेंशन कर देना, और BBTECH किया है तो आप डिप्लोमा को हटा देना, अगर आपने डिप्लोमा किया तो BBTECH को हटा देना। आपका आपका प्लेस कौन सा है और आपका नेम ऑफ कॉलेज कौन सा है उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। 2016 में किया है, 17 में किया, 18 में किया, 19 में किया, 20 में किया, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कितने साल का एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसको कॉपी करना पड़ेगा। पहले कॉपी कैसे करेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी लॉन्ग प्रेस करिएगा। जैसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक बटन आ जाएगा ऊपर वाला, इस पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना, फिर आप इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं टेक्स्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये कॉपी हो गया, आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब बता रहा हूँ कि CV कैसे आपको, रिज्यूम CV कैसे आपको डाउनलोड करना है। जो भी मेरे भाई बहन हैं उनके पास रिज्यूम नहीं है तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर पिन मैसेज दे रखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रेशर रिज्यूम फॉर्मेट मैंने दे रखा है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा आपके मोबाइल के अंदर डॉक्स का एप्लीकेशन होना जरूरी है, जिसको आप प्ले स्टोर के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको डाउनलोड करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने रिज्यूम और CV को एडिट कर सकते हैं अपने मोबाइल की हेल्प से। इसमें कोई लैपटॉप कोई PC नहीं चाहिए, ये आपका CV का फॉर्मेट हो गया। अब बात कर लेते हैं कि आपको जो कवर लेटर चाहिए फ्रेशर को, आप वापस इस पर क्लिक करिएगा पिन मैसेज पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कवर लेटर फॉर फ्रेशर। फ्रेशर वालों के लिए कवर लेटर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखा है, यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, इसको
इसको एडिट कर लेना है। कैसे एडिट करना है, नॉर्मली बात है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ब्रांच जो भी है उसको मेंशन कर दीजिएगा, कब आपने बीटेक डिप्लोमा किया है उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। देन फिर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिएगा, इस नेम को हटा के आपका नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर को हटा के आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। अब आपको मेल कैसे करना है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि मेल करना नहीं आता। अब मेल करना मैं आपको बता रहा हूँ, एक कवर लेटर आपने कॉपी कर लिया, इसको एडिट कर लिया, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब चलते हैं अपनी जीमेल पे, जिसके थ्रू अपने मेल करेंगे, जो मेल आईडी मैं मेंशन करूंगा डिस्क्रिप्शन में उसी पे आपको मेल करना है। ध्यान से कॉपी करिएगा उसको, ठीक है। अब मैं कमेंट बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डायरेक्टली आप उस पर कॉपी करके इसको मेल कर सकते हैं। अब जीमेल ओपन कर लेते हैं डायरेक्टली हम। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको मेल कैसे करना है उस तरीके के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मेल करने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी जीमेल आईडी को ओपन कर लेना है, जो कि आपका जीमेल का ऐप है आपके मोबाइल के अंदर। उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहां पे आपको क्या करना है, कंपोज ईमेल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आपको डायरेक्टली कंपोज वाले मेल पे कर देना है क्लिक। तो कंपोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा। यहां पे आपको करना क्या, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपकी खुद की मेल आईडी आ जाएगी जिससे आप लॉगिन हुए हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे वो मेल आईडी डालनी है जो कि मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। या तो आप उसको अच्छे से कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप उसको अच्छे से टाइप करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टाइप करने में मिस्टेक करते हैं और उनका मेल नहीं जाता। तो आपको ध्यानपूर्वक उसको कॉपी कर लेना है मेरे भाई। कॉपी करने के बाद आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट का, तो आपको सब्जेक्ट वाले ऑप्शन में क्या डालना है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप फ्रेशर है, 2023 में पास आउट होने वाला है, या फिर 2023 से पहले पास आउट हो चुके हैं और आप फ्रेशर है, तो आपको क्या टाइप करना है यहाँ पे, आपने अगर आईटीआई कर रखा है या फिर करने वाले हैं 2023 के अंदर, तो आपको यहाँ पे डालना है अप्लाई फॉर टेक्नीशियन। पूरा का पूरा फुल फॉर्म लिखनी है यहाँ पे, अप्लाई फॉर टेक्नीशियन यहाँ पे आपको पुट कर देना है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अप्लाई फॉर DET डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, पूरा का पूरा यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं अप्लाई फॉर जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग, क्योंकि जेई की पोजीशन के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बात की जाए जिन्होंने BBTECH कर रखा है, तो यहाँ पे वो डालेंगे अप्लाई फॉर GET ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग डाल सकते हैं, पूरा का पूरा फुल फॉर्म डाल सकते हैं, या फिर ऐसे भी डाल सकते हैं अप्लाई फॉर, यहाँ पे डाल सकते हैं आप असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग, ऐसे भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको आप ऐसे पुट कर दीजिएगा। देन फिर यहाँ पे आता है कंपोज ईमेल का ऑप्शन। आपको यहाँ पे क्या करना है, जो मैंने आपको कवर लेटर प्रोवाइड करवाया था टेलीग्राम पे, जिसको आपने कॉपी कर रखा था, उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा उसको एडिट कर लेना है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने डिप्लोमा किया है BBTECH, उसको आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अपने नेम और मोबाइल नंबर की जगह आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, और आपके जो भी मोबाइल नंबर है इसको हटाने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करके डाल सकते हैं। देन फिर आएगा आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दे रखा है, आपको यहाँ अपने CV को अटैच करना है या फिर अपने रिज्यूम को अटैच करना है। तो यहाँ पे अटैच फाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अटैच फाइल का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपको अपने CV को यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद फाइनली आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो CV रहेगा, इसके नीचे आपको अपना CV देखने को मिल जाएगा। देन फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है सेंड का, इस पर क्लिक करके आप अपने जो आपका मेल है वहाँ पे सेंड हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, फिर से कह रहा हूँ कि आपने जो मेल आईडी यहाँ पे डाली है उस मेल आईडी को ध्यानपूर्वक टाइप कर लेना या फिर आप कॉपी कर लेना, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आपकी ब्रांच कौन सी, आपका ट्रेड कौन सा है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से रिलेवेंट देखने को मिले। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।